भोपाल पुलिस कमिश्नरेट द्वारा पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिस कर्मियों के लिए होली खेलने की व्यवस्था की गई। सामूहिक रूप से भोपाल कमिश्नरेट के सभी पुलिस कर्मियों को भोपाल नेहरू नगर पुलिस लाइन में होली खेलने की व्यवस्था प्रदान की गई। इसके लिए भोपाल पुलिस कमिश्नर स्वयं भोपाल के नेहरू नगर पुलिस लाइन ग्राउंड में कर्मचारियों के बीच मौजूद थे। उन्होंने सभी कर्मचारियों को होली की शुभकामनाएं दी और उनके साथ गुलाल लगाकर होली भी खेली। और इसके बाद डीजे के गानों पर पुलिसकर्मी जमकर फिरके और फिर शुरू हुआ वाटर कैनन से पानी फेंकने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके बाद पुलिसकर्मियों का उत्साह देखते ही बना और फिल्मी गानों पर पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। इस पूरे आयोजन को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद ने बताया कि क्योंकि होली का त्यौहार को लेकर हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, पूरे भोपाल शहर में शांतिपूर्वक तरीके से होली संपन्न कराने के बाद हमारे कर्मचारियों के लिए किया जाता है और इस तरह के आयोजन कर्मचारियों में जो स्ट्रेस होता है वो भी कम होता है। उन्होंने बताया कि पूरे भोपाल शहर में शांति से होली का त्यौहार मनाया गया, जिसके लिए उन्होंने भोपाल वासियों को भी धन्यवाद दिया। इसके अलावा उन्होंने बताया कि लगभग 250 वाहन चालकों को पकड़ा गया जो कि शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़े गए और उनके वाहनों को जब्त किया गया। पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अनुरोध किया कि शराब पीकर वाहन ना चलाएं, क्योंकि अगर उन्हें पुलिस नहीं पकड़ पाए तो सीधे यमराज पकड़ सकते हैं। उन्होंने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कल का होली का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से मनाई गई। मैं पूरे शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें कुछ लोगों की करीब 250 गाड़ियाँ जब्त करनी पड़ी हैं जो शराब पीते हुए पाए गए हैं। मेरा आप सभी से पुनः अनुरोध रहेगा कि शराब पीकर के गाड़ी न चलाएं। शराब जो है आपको अगर किस्मत वाले रहे तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, नहीं तो यमराज पकड़ सकते हैं। तो इस बात का आप लोग भविष्य में भी ध्यान रखें। मुझे आज यहाँ पर पुलिस लाइन में होली का आयोजन किया गया है, जहाँ पर सभी रैंक्स के आरक्षक से लेकर के DCP और कमिश्नर तक यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। मेरा आप सभी से, आप सभी पत्रकार बंधुओं से भी अनुरोध रहेगा आज हमारे साथ होली मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।